हाय गाइस, आज आप आ चुके हैं इसकी सेकंड वीडियो लेके 30 डेज यूज के बाद। ये देखो गाइस, इस एयरफोन को आपको पता है मैंने इसके पहले एक वीडियो डाली थी, ये इसका सेकंड पार्ट है। इसको 30 डेज मेरे को यूज करते हुए हो गए हैं एंड देन भाई बहुत सही चल रही है ये। एक बात बताता हूँ इसकी, ये बहुत सही वर्क करती है, लेकिन हाँ इसका जो वो है बेस वो बहुत शटर और बहुत खराब है भाई। मतलब कान एकदम झुंझुनाने लग जाते हैं, मतलब सही नहीं है। और हाँ गाइस, इस पे एक बात, स्क्रेचेस बहुत आते हैं भाई। अगर ऐसी उंगली भी मार दो ना तो इस पे स्क्रेच आते हैं। मैंने 30 डेज को बहुत संभाल कर यूज करी तो भी देखो भाई कितने आए हैं स्क्रेच। और भाई पहली बात तो ये कि इसका जो केस है उसकी चार्जिंग थोड़ी सी भी सही नहीं चलती भाई। मतलब इसको सिर्फ ये एयरबड्स को मात्र 2 से 3 बार चार्ज कर पाता है और पूरा अनचार्ज हो जाता है, बंदी हो। हाँ गाइस, तो मैं ये बोल रहा था कि इसका जो एयरफोन है ये बहुत चलता है। करीब करीब एक बार अगर इसका आप पहनते हो तो करीब करीब 4 से 5 लगातार चलता है, बिना अटके बिना कोई दिक्कत के। इसकी बैटरी बहुत सही है, लेकिन हाँ ये केस की बैटरी थोड़ी सही नहीं है। 2-3 बार चार्ज करने के बाद में खुद अनचार्ज हो जाता है। और इसकी चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो ये केस होता है करीब करीब 1 घंटे से 40 मिनट के बीच में चार्ज हो जाता है गाइस। और आप अगर लेना चाहते हो तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करता हूँ ये एयरबड्स लेने का भाई, बहुत सही है। देखो स्क्रेच थोड़े आएंगे, लेकिन भाई इतने रुपए में प्राइस के हिसाब से बहुत सही चीज मिलेगी आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग अलोन मैन रिव्यू चैनल पे भाई, सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार वीडियो प्लीज़।